आज हम बनाएंगे सूजी का चीला, जो कि खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने ली है 1 बाउल सूजी। आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं जितनी आपको जरूरत है। तो हमने एक बड़े बाउल में ये डाल ली है। अब हम इसमें पानी इतना डालेंगे कि सूजी हमारी डूब जाए, और उसको चला देंगे इस तरह से चलाकर, और फिर हम उसको ढककर रख देंगे। 10-15 मिनट के लिए इसे हम ढककर रख देंगे, और इतने हमारी सूजी फूल रही है, इतने हम जो हम इसमें सब्जियां डालेंगे वो काट लेते हैं। हमने ये सब्जियां ली हैं, आप और भी ले सकते हैं जो आप डालना चाहें। और हमने ये प्याज को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, इन्हें इस तरह से ही काटें। और हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया। गाजर को काटेंगे नहीं, क्योंकि काटने से मोटी हो जाएंगी, इसलिए कद्दूकस किए हैं। हरे धनिया को भी काट लें। इधर हमारी सूजी भी फूल गई है, और हम इसे इस तरह से चला लेंगे। इस तरह से चला लें, ये गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और इस तरह से चला लेंगे। चलाने के बाद हमने जो सब्जियां काटी हैं ये हम इसमें डाल लेंगे। सब्जियां हम और भी डाल सकते हैं, जो हम खाना चाहते हैं वो डाल लें। हमारे पास ये थी, हमने ये डाली है। लेकिन ये ध्यान रखें, प्याज का इसमें अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज ज़रूर डालें, अगर नहीं खाते तो स्किप कर दें। इसमें थोड़ा गाढ़ा बैटर लग रहा है तो हमने पानी और डाल लिया है, ज़्यादा गाढ़ा बैटर ना रखें, और इस तरह से इसे हम कर लें। और हम तेज तवा गरम करेंगे, उसमें हम बैटर को डाल देंगे। अगर आप चीला बड़ा बनाना चाहते हैं तो बैटर और डाल लें, हमने इतना डाला है। इस तरह से इसे डालकर फैला लें, अच्छी तरह से फैला लें। ये हमने फैला दिया है। हम इसमें चारों तरफ घी लगा देंगे हल्का हल्का, जिससे कि सिकाई अच्छी आ जाए। अगर कम घी खाते हैं तो कम लगा लें। और ये सिक गया है, अब हम इसे पलट देंगे। इस तरह से इसे पलट दें, ये देखो सीक रहा है। और गैस को स्लो कर दें, मंदी गैस पे अच्छा सीकेगा, ज़्यादा तेज ना रखें। और चारों तरफ घी लगा दें, ये ध्यान रखें घी कम खाते हैं तो कम लगा लें, और नहीं तो चारों तरफ लगा दें, इससे अच्छी सिकाई आ जाती है। और इस तरह से हल्का हल्का दबा दें, और ये सीक रहा है, और ये हमारा चीला तैयार हो गया है फटाफट। इस तरह से ही हम दूसरा चीला तैयार कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा चीला भी सिककर तैयार हो गया है। इस तरह से हमने सारे चीले तैयार कर लिए हैं। आप ये ध्यान रखें, आप जो सब्जी खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, और ये चीले बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको भी अच्छे लगें तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।